तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा है? है? कवारी बच्चियों का इस तरह की बातों से कोई ताल्लुक नहीं होता। चलो जाए यहां से। हाय हाय अम्मा, ऐसा क्या कह दिया मैंने? वैसे कौसर बाजी, जब आपने जाना हो ना तो मुझे बता देना। बड़ा ही फ्रॉड आदमी है, दो नंबर काम में बड़ा माहिर है। हाँ, इसे मैं आपके मोहल्ले में दो बार भाई देखा था, लगता कहीं इधर रहने लगा है। कौसर की तबीयत ठीक नहीं है, मैं जरी को लेने आया था ताकि उसको कौसर के पास बिठाऊं तो सियानी औरत को लेने जाऊं। फहमीदा नाम बताया है कौसर ने। छोड़ दे अब टीवी की जान। नहीं अम्मा, बस एक दिन रह गया। हाय हाय, क्या आज भी तेरे नहाने की छुट्टी है? अम्मा मैं नहाया ना, मेरा सारा रूप उतर जाएगा। बस दो मिनट, दो मिनट। ला सुन ले, अपा कयूम इस तरह की हरकतें क्यों करता है? बेटा तेरी बड़ी मेहरबानी, आज तेरी शादी है, नहा ले। लोगों ने नालियों में से तेरी वो स्याही की बोतलें भरनी है बेटे। लो सुन लो खुर्शीदा भाई, इसने ऐसे नहीं उठना, ले जाओ इसे, ये इसकी बुरी आदत। कोई नहीं, इसको जबरदस्ती चल उठ जाओ। ओहो अम्मा, मैंने कहा था नहीं, मैंने नहाना, नहालो नहालो नहालो। अच्छा नहा ही लेता हूँ, शादी है ना, रूप चढ़ जाएगा। हाँ और ज्यादा रूप चढ़ जाएगा, खूबसूरत हो जाऊंगा। ठीक है, चलो जी चलो जी, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना है या ना है। अम्मा अम्मा, कैसा लग रहा है तेरा कमाला? माँ सच की बारी बहुत प्यारा लग रहा है, जा जाके शीना को मिल ले। हाय 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 हाय, चश्मे बद्दूर बार के सुट्टा लंगूर, ओए चल जा कसीटे चला जा। अब ठहरो भी मामा, चला जाऊं? हां जाओ जाओ, वो चला भी जा कसीटे। चमन से आ रही है खुशबू कबाब की, शायद किसी बुलबुल का दिल जल गया होगा। आए हाय जमाल भाई, कभी तो सीरियस हो जाया करें, मेरी दाल जल गई है, दिल नहीं जला। ओ चलो कुछ ना कुछ जला तो है ना, दिल ना सही दाल जल गई। ओए 40 साल खोजी की नौकरी की है पुलिस में, बड़े बड़े मुजरमों का सत्यानाश कराया मैंने, आप कह रही हैं दाल जल गई। आए हाय, उनका बेड़ा गर्क तो बाद में होना, पहले मेरी दाल का बेड़ा गर्क हो गया। हटिए, जब देखो दाल आलू दाल आलू दाल आलू खिला खिला के मेरे पेट में मरोड़ डालने शुरू कर दिए, कड़ी कड़ी जाता हूँ, कड़ी कड़ी जाता हूँ। जी वो ना मैं ना आपको क्या शीना जी वो मैं मैं वो हाय हाय कर ले सीना बाजी, बात कर ले, क्या हो जाएगा, देखे ना कितने अच्छे लगने के माले पाए, दिल टूट जाएगा उनसे, कर ले बाद में, ये सुलझाती हूँ। सीना जी वो ना मैं ना आपको वो क्या मैं बोला नहीं, वो कुछ नहीं सीना जी, मैं तो वो बस दिमाग खराब करता है मेरा। हाय दिल टूट गया ना कमाले पाए, चलो कोई बात नहीं, आप भी तो अपना दिल बड़ा रखो ना, मर्द बनो मर्द। मर्द बनो
शादी का खुशी का मौका है। मैं कमा लिया क्या तू ले को ला किसी तरह बत्ती चली गई है। मैं तो पहली नजर नहीं आती, हंसूं तो नजर आती हूँ। मुसीबत खाना एक और से अपा पड़ गया है भाई। आ जाती आ जाती। एक तो लॉट शैठिक वालों ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। दुल्हनिया आप किधर घूम रहे हैं? उधर सारे आपका इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ पे हैं। चलें चलें मेरे साथ। शादी की भी क्या खुशी होती है। Ah!
यहाँ देख चढ़े अरमानों की और हांडी पके सपनों की यहाँ देख चढ़े अरमानों की और हांडी पके सपनों की फिर प्यार का इस पे तड़कारे कोई बात नहीं है अब मेरे पास आ गई ना सब ठीक हो जाएगा चलो उठ अंदर कमरे में आ जा मेरे से उठा भी नहीं जा ओहो भाई चल ओ ओ इधर जा चल बैठ इधर आओ परेशानी वाली कोई बात नहीं चलो अब ये आपके पैसे जिस वक्त जरूरत हो ना आ जाए कर मैं तो खिदमत के लिए 24 घंटे तैयार हूँ बहुत शुक्रिया कोई बात नहीं ध्यान से कहीं कोई जुल्म होता देख लूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता लड़ पड़ता हूं जालिम से बस इतनी सी बात है और इसी बात पे शोहरत खराब कर दी है मेरी वरना मैंने कभी मजलूमों को सताया नहीं और वो कहे ना वैसे ही करना समझ गई ना जिस वक्त जरूरत हो ना आ जाए कर मैं तो खिदमत के लिए 24 घंटे तैयार हूँ बहुत शुक्रिया कोई बात नहीं ध्यान से
शहर की गलियों में दुख सुख की भूल भुलैयों में होता है हल्ला गुल्ला रे भी अच्छी नहीं है। अल्लाह माफ करे, कितना थलड़ क्लास किस्म का क्यों इसमें डाल है। मान नाल मेरा तो संग ही पकड़ा गया। हाँ मैं मिठाइयों के पत्थर लगकर लड़की की माँ ने अपने ब्याह में बनवाई थी, जो बच गई है वो इधर ही डाल दिए सारी। इसको तोड़ने के लिए तो हथौड़ा मंगाना पड़ेगा। अम्मा मुंह तो सीधा कर। क्यों, तेरा मत बोला मैं अपनी लिपस्टिक खराब कर लू। नहीं खराब होती यार, ये ले लो तुम, आगे पास कर दो। पास में कुंडल ठीक लग रहा है। ओ सेट है अम्मा, क्या बुरी मिठाई खाने के लिए नहीं रहेगी। पकड़ो ओ, आगे पास कर दो। कुछ पीना है अम्मा मुझे। अम्मा मिठाई खा ले और अब दफा कर। बहन बड़ी कहाँ है दुल्हन की? अम्मा वो टैची किधर है, रखा भी था कि नहीं? जब ये तुझे अपने उल्टे सीधे मेकअप से फुर्सत नहीं ना मिल रही थी तो मैंने अटैची रख लिया था, ये पड़ा है उठा इसे। सरती वैसे तुझे किसी भी महफल में बैठने के ना जरा से भी एंटीकेट्स नहीं है। बंदा पूछे हम यहाँ पे क्या चाक मारने आए, मैं हमने भी कुंडल शुंडल पाए, मैं टिक्का शिक्का लगाया हुआ तो इन्हू चंगी कोई चंगी लगी जा रही है। दूल्हे का नाम इरशाद अहमद। दूल्हे के बाप का नाम जी गफार अहमद साहब। मेकअप एडा थर्ड क्लास ले आए हैं, ये सस्ती वाली बड़ी खरीदी है, पैसे नहीं होंगे बेचारों के पास, गरीब लोग हैं। इतनी जुतियां भाई, एकदम बेकार प्रोग्राम है, फुल टाइम बोरियत वाला, कोई गाने शाने नहीं लाए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। उफ खुदाए आप चुप कर जो ना, निकाह शुरू होने वाला, खामोशी इख्तियार करो, जब से आई है बोली जा रही हैं। हाय हाय क्यों,
शोर के अंदर मौलवी साहब ने कहा कि बोल भूल जाएंगे। दसो जरा अम्मा, इनकी तो हर बात ही अनोखी है। खुर्शीदा देख शीना कितनी प्यारी लग रही है, मैं जरा इसकी नजर उतार लूं। ओहो मुसरती, वैसे तुझे किसी भी महफिल में बैठने के ना जरा से भी एंटीकेट्स नहीं है। बंदा पूछे हम या हम पे क्या चाक मारने आए हैं, हमने भी कुंडल शुंडल पाए हैं, टिक्का शिक्का लगाया हुआ है, तो इन्हू चंगी को ही चंगी लगी जा रही है। ये रंग देख इस पे कितना प्यारा लग रहा है। ओहो मुसरती क्या हो गया तुझे, वैसे एक गल दसो, माँ से ज्यादा जो औलाद को किसी की चाहे ना वो निरी फफे कुटी नहीं खिलाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। दूल्हे का नाम इरशाद अहमद। दूल्हे के बाप का नाम जी गफार अहमद साहब। दुल्हन का नाम नसीमा बीबी। दुल्हन के बाप का नाम हबीब अहमद। हबीब अरशाद अहमद वल्द गफार अहमद, क्या तुम्हें नसीमा बीबी बिनते हबीब अहमद हक महर मुबलक 25,000 सिक्का राजल वक्त कबूल है? कबूल है। अम्मा 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 इधर सुन मेरी बात, वहां पे दूल्हे ने इनकार कर दिया हाँ कहने से। क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ। इकरार कर ले वरना जूते मार मार के ना तेरा मुंह लाल कर दूंगी। सब खुदा का लाखों रुपए लग गए, इससे इंसाफ सोच कबूल करते हैं कि नहीं? मौलवी साहब, मौलवी साहब शुरू करें ना। कहा क्या मतलब कि दोबारा से प्रोग्राम शुरू कर दें मौलवी साहब? अम्मा लगता दूल्हे ने दुल्हन की शक्ल देख ली है। कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है जी, कबूल, 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 कबूल। दुरुल शहर की गलियों में दुख सुख की फूल फुलैयों में, दुरुल शहर की गलियों में दुख सुख की फूल फुलैयों में होता है हल्ला गुल्लारे। Everybody eyes up.
यहाँ देख चहे अरमानों की और हांडी पके सपनों की हेलो जी दादाजी खाओ शीना पुत्र एक बात तो बता ये शादी वाला बासी खाना कितने दिन और चलेगा आपके लिए ना दादाजी ये खुशखबरी है अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि ये खाना अब इख्तिताम पजीर हुआ है टीवी के किसी सोप की तरह लंबा नहीं हुआ या अल्लाह तेरा शुक्र है वैसे मैं देख रहा था जैसे तेरी माँ सुबह शाम इस खाने का दौर चला रही थी मेरी सेहत तो दूर से सलाम कर जाती हाँ दादाजी मैं भी तंग आ गई थी कभी नज्जो के घर से सालन की प्लेट मांग तो कभी सामने वालों से पर अब ना मैं किसी के घर भी जाती हूँ तो लोग मुझे देखते ही बोलते थे कि हांडी खत्म हो गई है एक तो आप भी ना बड़े काम चोर हैं अम्मा बिल्कुल ठीक कहती है अंदर ना बर्तनों का भंडार पड़ा हुआ है मैं कल ही नहीं तोड़ी अंदर आए मेरे साथ बर्तन धोए नहीं जा मैं क्या शादी से आए तो एक हफ्ता हो गया भाभी की मेहरबानी से तुम अभी तक बिरयानियां उड़ा रहे हो तुम लोगों ने तो हद ही कर दी है बड़ी सियानी औरतें हो अब्बा जी तो अब किसी शादी पे जाने का नाम ही नहीं लेंगे क्यों अब्बा जी सही कह रही हूँ ना और क्या अब तो सांसों से भी बासी बिरयानी की बू आ रही है शाबाश है भाई वैसे शीना भाभी है कहाँ नजर नहीं आ रही कहीं बासी खाने खा के फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गई हाँ वो क्या होता है भला नहीं जा नहीं ऐना भी नहीं पता वो क्या होता है अच्छा चल दफा कर मेरी बात सुन चाय बना लेगी ना तो एक बड़ा सारा मग मेरे लिए बना दे सहेली नहीं है फिर अजलेखा क्या है एक तो ये मेरी जसूसियां नहीं छोड़ता बोल क्या है ओ एक कप चाय का मेरे लिए भी बना दे बना देती हूँ नहीं ए सहेली तू मेरे लिए बना रही है ना चाय इसको दे दे ये डप ले मैं ड्रामा देखने जा रही हूँ जी हाँ देख ड्रामा मुझे ड्रामा बना दिया है आहा सिद्दीकी जी आज तो बिरयानी है अंदर उंडेली जा रही है जी अच्छा ऊपर से पक के आई वाह मालिक हमें भी एक देख दे दे अम्मा अम्मा जी कि आपका मुर्गा ना बहुत तंग कर रहा है मुझे ये तेरी मजाक की आदत मुझे बड़ी बुरी लगती है पता है आज सुबह जब मैंने ना नया सूट पहन के सुर्खी लगाई ना तो तेरे भाईजान तो फड़क ही गए काम पे जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे मैंने जबरदस्ती उन्हें काम पे भेजा है आज
अम्मा अम्मा जी ये आपका मुर्गा ना बहुत तंग कर रहा है मुझे। इतना अच्छा काम देख रहा था, पता नहीं कहां से ये रख लिया मुर्गा घर में। पानी के सूखने की आवाज आ रही है, लगता है सैलाब आ रहा है। अब्बा क्या हो गया, पानी का नल चल रहा है इसलिए आवाज आ रही है। मेरा अंदाजा गलत तो नहीं है ना? ओ भगवान, ओए खाने के वेले तूने कपड़े धोने का प्रोग्राम बना लिया। अरे बे ये वो कपड़े हैं जो शादी वाले घर से हमारे कपड़ों के साथ आ गए। ओ मेरे रब्बा, कर लो गल, सारी जिंदगी पुलिस में खोजी की नौकरी इज्जत आबरू से की है, अब आखिरी उम्र में चोर का टाइटल लग गया गज बज के। ओहो इतना जज्बाती होने की लोड़ नहीं है कमाले के अब्बा, शादी ब्याह के मौके पे ऐसा हो जाता है। देखना इसमें तो मेरा अपना जुराबों का जोड़ा नहीं मिल रहा। जुराबों का जोड़ा नहीं मिल रहा तो ये पूरे के पूरे जोड़े जो मिल गए हैं तुझे गज बज के। ओहो इसमें कोई ऐसा है जो। हाँ भाई तेरा तो वाकई बड़ा नुकसान हो गया है। ओए जरा उनके बारे में भी सोचो कि वो जराबें इन जोड़ों की जगह चढ़ाई जा सकती हैं। अब्बा जी ये कोई इतना सीरियस मसला थोड़ी है, इस पे टाइम बर्बाद करी जा रहे हैं। अम्मा कुछ खाने का बंदोबस्त करे ना, खाने का टाइम हो रहा है। ओहो जब से मैं शादी वाले घर से आई हूँ इस घर का सारा समेट रही हूँ। अब मेरा ख्याल है जो शादी वाले घर से चावल आया ना वो गरम करके बाप बेटा दोनों बैठ के खा लो। लो उसने खोता ही खूब सुट दिया है, कर लो गल। अम्मा मैं नहीं खा सकता ये बासी चावल, पेट में दर्द होता है मेरे। वो ठीक कह रहा है, ये बासी चावल खाने से कुलंज का दर्द शुरू हो जाता है। ना पूरी शादी में कोई भी ऐसा लड़का नहीं था कि जिसको देख के उस पे दिल आ जाए। तुम्हारे खानदान में वैसे इस सोने मुंडों की बड़ी कमी है, और एक हमारा खानदान है, एक से बढ़कर एक लड़का बंदा वेख के रश करता है। पर तुम किस पर चली गई, ये तेरी मजाक की आदत मुझे बड़ी बुरी लगती है। पता है आज सुबह जब मैंने ना नया सूट पहन के सुर्खी लगाई ना तो तेरे भाईजान तो फड़क ही गए, काम पे जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने जबरदस्ती उन्हें काम पे भेजा है आज। ओ तो कभी काम पे जाने के लिए राजी नहीं होते, अम्मा सोटियां ला ला के उसको घर से बाहर निकालती थी। तुझे बड़ा पता है, तू क्या उसके टो में ही लगी रहती थी? हाँ मखा दीवार से दीवार लगी है, आपे ही सारी खबरें आ जाती है। खबरें हाँ खबरें तुझे बड़ी रहती। हाय खबर से मुझे एक बात याद आई, हमारे इलाके में ना एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहा है, जगह जगह पे पोस्टर लगे हुए हैं, उन्हें ना स्थानियों की मेरा मतलब है टीचर्स की जरूरत है। अब देखना तेरे जैसी लड़कियां जिनकी उम्र बड़ी हो जाती हैं और शादी ना होने की वजह से बदमजाज हो जाती हैं, वो वहां पे नौकरी कर ले, उनके लिए बड़ा गोल्डन चैनस है। वैसे गोल्डन चैनस कहेगा उत्थे लड़के भर्ती हो रहे। हाय हाय पागल, बाहर निकलेगी कोई नौकरी करेगी इधर उधर फिरेगी ना ते आप ही कोई ना कोई काम बन जाता होता है। पर भाभी मेरे को इंग्लिश किधर आती है, इंग्लिश का पीरियड होता था ना तो मेरे हाथ पैर फूल जाते थे, टीचर मेरी मेरे को जलजला कहती सी, आपे ही जलजला थी मोटी। हाय मैं मर गई, मेरी बात सुन, तू नर्सी को प्रेप को नहीं तुझे ए बी सी डी टी तो आती होगी ना, वो ही पढ़ा पढ़ू नहीं। अब ए भी कोई गल नहीं है, इससे ज्यादा अंग्रेजी आती है मेरे को। तो बस ठीक है फिर गल बन गई, तू ऐसे करी तैयार होकर मेरी तरफ आ जाई, मैं भी तैयार होकर तेरे साथ चली जाऊंगी और वहां जाके ना मैं तेरा हौसला बढ़ाऊंगी। अच्छा और बड़ा आदमी साथ लेके जाओ तो बड़ा रूप पड़ता है। आइडिया बड़ा अच्छा है, मैं जाके चाची से मशवरा करती हूँ तो फिर तुझे बताती हूँ। वाह भाई वाह, मैंने कोई चंगी बात की है तो तेरे दिल को लगी है ना, चाची से जाके पूछती हूँ। चल जा भाग यहाँ से, आगे मेरी आंखों में अथरू आ गए हैं।
मुझे याद आ रहा है मैंने उनके लिए आज बढ़िया सा की। तू बातें क्या सुन रही है, मुझे केड़ी गल्ला चला लेनी है, चल जा। आती हूँ मैं ना भाई को गल करने वाली है, मशवरा मैंने दिया, उम्र वड्डी होती जा रही, शादी नहीं हुई, मैं कहा चल बाहर जाएगी, कोई नौकरी कर रही, चार पैसे कमा लेगी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अज तो बस एह जहा कीमा खुआना है मैंने उन्हें कि हाथी बस। मर्दानगी के नाम पे तू बहुत बड़ा धब्बा है। क्यों क्यों दादाजी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या बात है, परेशान दिखाई दे रही? बस अम्मा मेरे ना पेट भी बहुत ही गड़बड़ हो रही है। तुम्हारे खालू की भांजी अपनी खाला को गया, उसको भेज दे कुछ दिनों के लिए, इधर फुर्तीली सी है, तुझे काम में आराम मिलेगा। रूल शहर की गलियों में दुख सुख की फूल फुलाइयों में, रूल शहर की गलियों में दुख सुख की फूल फुलाइयों में, होता है हल्ला गुल्ला रे। Everybody eyes up, hey, eyes up, everybody eyes up, hey, eyes up, everybody eyes up.